अस्सलामु अलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एक एंटरप्रेन्योर हु इज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ पार्क रेजिडेंस, अ रियल एस्टेट फर्म एंड ओनर एंड फाउंडर ऑफ गीक्स मीडिया, अ मीडिया कंसल्टेंसी फर्म। तो आज हम उनसे करेंगे बड़े मज़ेदार किस्म की डीप इनसाइड गुफ्तगू ऑन मल्टीपल टॉपिक्स ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर रिजवान सरवर साहब। सर जी, वंस अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू मदी, कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं टीवी चैनल्स पे एड्स चल रहे हैं, यूट्यूब खोलें वीडियो के दौरान एड्स आते हैं, कोई ऐप खोलें एड्स आ रहे हैं, बिलबोर्ड्स पे देखें कोई ना कोई, हर जगह कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ बेच रहा है। इट्स अबाउट सेलिंग 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 मार्केटिंग एंड इट्स मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। यस, तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ आप बात करें, सेल्स किस तरह बढ़ा सकता है बंदा या अपनी कंपनी है, सेल्स किस तरह बढ़ा सकती है? देखिए मदी, मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट नॉलेज इस तरह का होना चाहिए कि आपसे अच्छा प्रोडक्ट तो कोई बनाता ही नहीं। एक दूसरी चीज़ जो इसके बाद इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना कि आया जो प्रोडक्ट आपका है इस जैसा और जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं मार्केट में उनकी क्या प्राइसेस चल रही है, उनकी क्या क्वालिटी चल रही है। क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है वो आपसे सवाल यही करेगा कि मैं वो क्यों ना ले लूँ, वो तो कम प्राइस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सफ़ायर से क्यों ना ड्रेस ले लूँ, मैं आपसे क्यों लूँ जी, आप यहाँ का तो रेट भी ज़्यादा है, यहाँ आपका तो ये मामला थे, आपके वो मामला था, फ़लाँ फ़लाँ एंड ऑल दैट। तो आपके पास रिबटल होना चाहिए हर चीज़ का। लिहाजा सबसे पहले आपने मार्केट को देखना है और अपने प्रोडक्ट को देखना है कि आप ऐसी क्या चीज़ रखते हैं, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटी है जो किसी और के पास नहीं। एक दूसरी चीज़, चूँकि मैंने मार्केट की बात की कि आपने अपने कंपेटिटर्स को देखें, तो कंपेटिटर के बाद आ जाता है ट्रस्ट। आपने अपने क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बनाना है। ये बात जहन में रखें, पहले जो बेचने वाला वो बिकेगा, वो अपनी बातों से इस तरह से बातें करेगा, वो इस तरह की बातें करेगा कि जो बायर है वो चूज़ कर लेगा कि भाई ये महंगी भी देगा तो लेना मैंने ऐसे ही है, खरीदना ऐसे ही है ये प्रोडक्ट। मतलब गंजे को आपने कंघी बेचनी, बेच देनी है, और वो बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट इस तरह का बना लेते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है आपको बातों का चैंपियन हो चाहिए। एग्जैक्टली, बातें करनी आनी चाहिए। सेल्स पर्सन के लिए बातों का चैंपियन होने के साथ साथ उसे हर वक्त पॉजिटिव रहना है, उसे हर वक्त खुश रहना। देखिए, मैं आपसे कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, आपके मैं एक्सप्रेशन से लेके आपकी बॉडी लैंग्वेज अनइंटेंशनली मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है? जहाँ आप थोड़े ढीले हैं, नेगेटिव हैं, मुंह उतरा है, आपको अंदर से डाउट है, प्रोडक्ट का मसला है, पाटा प्रोडक्ट। तो असल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर आप खुद कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेके, पहले तो ये जानने की कोशिश करूंगा ना मैं कि मैं तो आपसे हर तरह का सवाल पूछूंगा कि तुझे तो कर दे फ्रॉड हो जी, आप मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि मेरा आप पे यकीन डेवलप हो जाए। और मेरा जब आप पे एक दफ़ा यकीन डेवलप हो गया तो इसका मतलब है मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं वो परचेजिंग आपसे करेंगे, आया वो महंगी कर लें। चूँकि अब लोगों को, चूँकि ऑनलाइन तो सेलिंग का दौर आ चुका है और लोगों को अब जो ट्रस्ट जिस पे हो जाए वो वहीं से मंगवाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाते हुए लोग डरते हैं। और अब तो बड़े से बड़ा ब्रांड भी आप देखिए ऑनलाइन बैठा हुआ जी, और ऑनलाइन ही लोग घर लोगों को पसंद है जी, उनके घर पहुंचा दे कोई चीज़, बाहर निकलना ना पड़े। इसीलिए वो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि आया हम किसी अच्छे ब्रांड से मंगवाएं जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, कि हमें कम अज़ कम क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ बाद में ना करना पड़े। तो इसीलिए आपने ये चीज़ देखनी है कि आप अपनी क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ ना करें, बेशक रेट बढ़ा दें। और फिर ये चीज़ आ जाती है, आप प्रेजेंट किस तरह करते हैं। प्रेजेंटेशन हर प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें मार्केट में ऐसे ऐसे माठे प्रोडक्ट्स भी हैं जो बड़े से बड़े ब्रांड को कम्पीट करते हैं और उनसे आगे हैं सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन की वजह से। आपने अपनी प्रेजेंटेशन देखनी है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट इस तरह से कर दें। आपने देखा कई ऐसे टीवी कमर्शियल्स बनते हैं जो हमें याद हो जाते हैं, और हमें 20 अभी भी पुराने 20-20 साल पुराने जो हमने बचपन में एड्स देखे थे आज भी वो जाएंगे, लाइन याद रहे। फॉर एग्जांपल 50-50 बिस्किट आता था जी, वो हमें आज भी याद है, डिंग डोंग का एक एड आता था। क्यों? आज भी अगर डिंग डोंग आ जाए हम अपने बच्चों को भी खिला दें। लोग आप ट्रस्ट कर लें, ट्रस्ट भी ऐसा कि वो अपने बच्चों को और अपने जितने रिश्तेदार हैं, अपने जितने दोस्त हैं, वो हर एक को रिकमेंड करें। आपकी कामयाबी बिजनेस की वो होती है
जो लोग रिकमेंड करते हैं आप, और ये हर सेल्स पर्सन में ये क्वालिटी अगर नहीं है तो वो सेल्स पर्सन नहीं बन सकता, वो टेम्पररीली काम कर लेगा, परमानेंट काम करने के लिए यू मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, यू मस्ट हैव स्माइल ऑन योर फेस, पहली चीज। दूसरी चीज, यू मस्ट हैव सच अमेजिंग कॉन्फिडेंस कि जी आपसे अच्छा प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट नॉलेज भी किसी के पास नहीं है और आपसे अच्छा प्रोडक्ट भी किसी के पास नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आजकल के दौर में, फिर मैं इनफैक्ट ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया, लोग समझते हैं सोशल मीडिया से क्यों होना जी, वेज जो वो लोगों को जो भी चीज़ दिखाएंगे बाद में जाके पहुँचती कोई और चीज़ है, तो वो लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। वो अल्टीमेटली नुकसान ये उठाते हैं, जिस तरह आप मुझे अच्छी चीज़ को अगर भेजते हैं तो मैं अपने चार दोस्तों को रिकमेंड करूंगा जी आपसे परचेज करना है, अगर मुझे कोई गलत प्रोडक्ट आ गया तो मैं चार लोगों को मना भी करूंगा कि इससे नहीं लेना, 40 लोगों को मना करें। Exactly, मैं उससे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके मना करूंगा लोगों को। क्यों? क्योंकि इसमें ये होगा कि मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो किसी और के साथ भी हो। इसलिए सोशल मीडिया और बिजनेस में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज बेतहाशा होती हैं, तो जो लोगों को तलाश उन लोगों की होती है कि जो बात कर रहे हैं, जो कमिट कर रहे हैं आया वो पूरी कर रहे हैं, अगर कोई एक उनको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जिसपे उनकी क्वांटिटी और उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो वो फिर लॉन्ग टर्म आपका क्लाइंट बन जाता है। इसलिए क्लाइंट बनाने के लिए जो सेल्स पर्सन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको चाहिए वो अपनी जो कंपनी है, देखिए सेल्स पर्सन जब तक अपनी कंपनी का इमेज बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं करेगा उससे कोई चीज़ खरीदी जाएगी। इसीलिए आप अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बना रहे होते हैं, अगर आप अपनी कंपनी का नाम ले रहे हैं आप उसकी क्रेडिबिलिटी बना रहे होते हैं जी कि आप लॉन्ग टर्म हम चलने के लिए आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रिलेशन महज कंपनी के साथ नहीं, वो आपके साथ जो सेल्स पर्सन है उसके साथ भी बनेगा। लिहाजा आपने एक वक्त में आप अपनी कंपनी और अपना दोनों का इमेज बेहतर प्रेजेंट जब कर लेते हैं और आप जब ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपको आया, फिर आप कोई भी बिजनेस करें उसके बाद। आप बहुत से लोग ऐसे हैं डिफरेंट कंपनीज में वो काम करते हैं, एक शख्स अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है उससे मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है वो किसी और कंपनी में भी चला जाएगा तो यकीन करें मैं उससे फिर भी वो प्रोडक्ट खरीद लूँगा, उसने ट्रस्ट ऐसा बना लिया। तो यानी आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट में कितना इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट फैक्टर। तो ट्रस्ट फैक्टर बनाने के लिए अक्सर लोग जो बेचते होते हैं कोई चीज़ वो इतने शॉर्ट माइंडेड होते हैं, जो कहते हैं यार अभी इस बंदे को चूना लगा लो, पैसा ज़्यादा कमा लो। बिल्कुल, वो पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो क्लाइंट उनके हाथ से हमेशा के लिए चला जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। दूसरा ये कि और दूसरी चीज़ ये लोग ये नहीं देखते इस तरह के लोग कि बरकत चली जाती है, बरकत भी चली जाती है, और जो फायदा नहीं होता पैसा कमाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अभी तो आपको फायदा है ज्यादा आपने कमा ली लेकिन वो आपके पैसे ये तो खत्म हो जाएंगे। 4% होते हैं ना जो कि पता में नहीं लगता कहाँ लग गए, तो वो कमाने के लिए आप एक रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। देखिए मार्केट में इन सब चीज़ों की जो हम बातें कर रहे हैं अगर उसका निचोड़ निकालें, उसको कंपाइल करें तो वो एक रिलेशनशिप उसको नाम दे देते हैं। आपका अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसकी वजह से वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है, अगर आप उसको इस तरह से करेंगे कि एक चीज़ जिस पर आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं आप उसको बेच देते हैं, वो कल को तो आपसे कुछ भी नहीं लेगा, वो आया इस चीज़ पर भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा और इस चीज़ पर भी वो आपको दुआएं तो कभी नहीं देगा। लिहाजा आप जब कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट अगर आपने सेल करना है अपनी कंपनी का, तो सबसे पहले देखें कि आया वो एग्जिस्ट करता है, आया वो पॉजिटिव है, आया जो कमिट किया जा रहा है वही डिलीवर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपने पहले खुद देखनी है, फिर उस लिहाज से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर जो आप जो बात करेंगे वो आप पूरी भी कर रहे होंगे, आपकी कंपनी पूरी कर रही होगी। एक चीज़ इसके अलावा मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ सेल्स पर्सन के लिए, जो लोग कामयाब सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं, दे मस्ट हैव अ गुड फॉलोअप। फॉलोअप इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि किसी भी चीज़ को देखें, मैं अपने एग्जांपल देता हूँ कि मेरी टीम में से एक बच्चा था जिसने 6 माह हमारे एक प्रोजेक्ट का फॉलोअप एक क्लाइंट के साथ करता रहा है, एंड इस क्लाइंट वॉजेंट इन पाकिस्तान। और फॉलोअप का भी तरीकाकार होता है, एक बंदे को आप इतना फॉलोअप करें कि वो तंग ही आके आपको ब्लॉक कर दे। एक ये है फॉलोअप, एक फॉलोअप ये है कि आप उनको याद दहानी कराते रहें कि सर आपके साथ चूंकि एक रिलेशनशिप बन गया है, आपके साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक ऐसा बन चुका है कि मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल इतने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको चीज़ों का नहीं पता होता, कोई भी बातों में घेर लें, अब तो ये दौर बन चुका है, इसीलिए हमारा फर्ज भी बनता है, हमारा फर्ज भी बनता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम उनको उनका पैसा भी बचा के रखें, उनका पैसा कहाँ लगना चाहिए उनको गाइड करें। इसीलिए मैं ओवरसीज में और पाकिस्तानियों की भी बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ मौजूद हैं लोग, उन लोगों को भी नहीं बहुत सी चीज़ों का पता होता,
لہٰذا فالو اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پازیٹیو فیکٹرز اس کے جو ہیں یا پازیٹیو جو بھی بہتری آ رہی ہے آپ کے پروڈکٹ میں آپ ان کو بتاتے جائیں. ایک اگر چیز آپ کے کلائنٹ نے نہیں لی آپ اس کو مہینے بعد ہفتے بعد اس کو بتاتے ضرور جائیں کہ اس میں کیا انکریز آیا ہے یا اس میں کیا انگریڈینٹس آپ نے مزید ایڈ کر دیے ہیں یا مزید آپ کے کون سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں. چونکہ آپ اپڈیٹ جتنا رکھیں گے یہ چیز آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرتی جائے گی کلائنٹ کے ساتھ, اور جب ریلیشن شپ آپ کا کلائنٹ کے ساتھ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو زیادہ باڈر نہیں کرنا پڑتا. کلائنٹ آپ کے ساتھ اتنا بانڈنگ ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ خود چلا پاکستان سے باہر بھی ہوگا تو وہ آئے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے اس کے ساتھ اس کا ساتھ آپ نے دیا نا, یہ ہوتا ہے آپ نے ساتھ دینا ہے کلائنٹ کا, صرف یہ نہیں کہ میری چیز بک جائے. چیز بیچنے کو تو ہر چیز بھی بک جاتی ہے جی, مٹی اٹھا کے آپ رکھ دیں کسی رومال کے اوپر وہ بھی بک جائے گی مارکیٹ میں, اب سب کچھ بکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے فالو اپ کرنا ہے. کس فالو اپ تو کئی کئی سال چلتا رہتا ہے, آپ کو سیل نہیں ملتی, لیکن ایک وقت آتا ہے آپ کو سیل ملتی ہے وہاں سے. کیوں؟ صرف اس بیس پہ کہ آپ نے فالو اپ اسٹرانگ رکھا ہوتا ہے. ایک بندے کے پاس آج پیسہ نہیں ہے آپ کا پروڈکٹ خریدنے کے لیے, وہ 6 ماہ 8 ماہ سال کے بعد اگر پیسہ آ جائے تو وہ تو ڈھونڈے گا بندہ, تو سب سے پہلے وہ تلاش اسی کو کرے گا جس کے ساتھ اس کی بات چل رہی تھی, جو بندہ اس کو فالو اپ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, چونکہ اگر ایک کیوری ہے میں جو مارکیٹ میں ڈھونڈنے کے بجائے میں تو اسی سے کروں گا نا جو فالو اپ مجھے بار بار کالس کر کے پروڈکٹ کا بتا رہا ہے. تو اس وجہ سے فالو اپ آپ کا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. فالو اپ پہ بہت زور دیں, آپ کوشش کریں کہ فالو اپ اس طرح کا ہو کہ جتنی کلائنٹیز آپ کی ہے ان کو کمپائل کر کے پراپر ایک لسٹ بنا لیا کریں کہ اس بندے سے میری یہ بات ہوئی, آپ کے ریمارکس لکھ لیے, جس طرح ہماری بڑی کمپنیز میں ہوتا بھی ہے کہ آپ کی جس سے بات ہوئی اس کے آگے آپ نے کمنٹس میں لکھ دیا کہ یہ بات ہوئی اور اس کو میں نے اس کیا ریکوائرمنٹ ہے. فالو اپ کرنا, آپ نے ڈیٹ ٹائم لکھ لیا اور آپ نے اس کے ریویوز ڈال دیے جی کہ وہ کیا چاہ رہا ہے یا ریکوائرمنٹس ڈال دیں کیا چاہ رہے ہیں, اس طرح سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. چونکہ یہ ہمارے سنت بھی ہے کہ ہم لکھت پڑھت کریں ہر چیز میں, ہمیں لکھنا چاہیے سب کچھ, تو ریٹن فارم میں چیزیں لکھتے ہیں آپ کو ایک تو پورا مینٹینڈ آپ کو پورا آپ کا سسٹم تیار ہو جائے گا, آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی. اور فالو اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے فالو اپ بھی آپ پوٹینشیل کلائنٹس کے ساتھ کریں. پاکستان میں پروڈکٹ لانچ کر دیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرائیورٹائز کریں کہ آپ نے کن لوگوں کو زیادہ ٹائم لینا ہے, وہ آپ پوٹینشیل کلائنٹ سیپریٹ کر لیں گے. باقی تو ٹھیک ہے ڈیٹیل جاتی رہیں گے, پوٹینشیل کلائنٹ کو آپ نے جب سیپریٹ کر لینا ہے تو پوٹینشیل کلائنٹس میں سے 10% آف دیٹ پوٹینشیل کلائنٹس جب آپ کو ریٹرن دے دیتے ہیں, آپ کو آپ کا ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے ان کے تھرو, تو وہ آپ کا سارے جتنی محنت ہوتی ہے اس کا بینیفٹ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے پہلے تو کیٹیگرائز کرنا ہے, آپ نے پوٹینشیل کلائنٹس کی لسٹ سیپریٹ کر لینی ہے, آپ نے فالو اپ کن کو دینا اس کی لسٹ سیپریٹ کر لینی ہے, یعنی چیزوں کو آسان کرتے جائیں الگ الگ کرتے جائیں. یہ ایک سیلس پرسن کی رسپانسبلٹی بتا رہا ہوں کہ کامیاب سیلس پرسن کیسے بنے گا. ایک تو اپنے باڈی لینگویج سے پہلے ہم نے بتایا, پھر ہم نے بتایا اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اپنے کلائنٹ کو ٹیکل کرنے کی, اور پھر کوالٹیز بتائیں کہ لانگ ٹرم چلنے کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, پھر خود کو مینٹین کرنے کی اپنا ڈیٹا مینٹین کرنے کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, وہ بھی ہم ساری چیز میں ڈسکس کریں. کمال باتیں بتا دیں, اس سے تو میں نے بھی بڑا کچھ سیکھا ہے. بس یہ پریکٹیکلی کرنے سے انسان سیکھتا ہے, چونکہ وہ جسٹ ڈو ناٹ اونلی ہوپ, ہم امید پہ چلتے ہیں جی کہ ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے گا, ہم امیدوں پہ چلتے ہیں یا خوابوں پہ چلتے ہیں, خواب بھی ان کے پورے ہوتے ہیں جی, خواب بھی ان کے پورے ہوتے ہیں جی, جو قدم نکالتے ہیں اللہ تو چونٹی کو بھی رزق تب دیتا ہے جب وہ باہر نکلتی ہے. تو اسی لیے پریکٹیکلی جو شخص مار کھاتا ہے ان کو ان چیزوں کا ضرور آئیڈیا ہو جاتا ہے, اور جن کو مار نہیں کھانی پڑتی وہ اگر ان کو کوئی گائیڈ کر دے میں تو سمجھتا ہوں اس سے بہتر صدقہ جاری ہے. اس کے علاوہ بات کرنا چاہیں گے؟ بس جی, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت ہر بزنس میں سیلز کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے گھر بیٹھے ایک موبائل اپنا بنا لیا, بے شک اس کو بھی بیچنا ہے تو اسے سوشل میڈیا سے سب سے پہلے جانا ہے. الٹیمیٹلی آپ نے کرنی ہے سیل, تو جب سیل کرنی ہے تو سیل کے لیے آپ کو یہ چیزیں یہ ایتھکس پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے کوانٹیٹی پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا, بے شک کم بیچ لیں لیکن اچھی چیز بیچیں, ہمیشہ آپ کے کلائنٹس لانگ ٹرم چلیں. وہ آئے تھے نا چائنا کے موبائل آئے تھے ہمارے ملک میں تڑا تڑ بک رہے تھے, لیکن وہ ہوتا کیا تھا کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رات کو آف کر کے رکھا ہے صبح چلے گا کہ چلے گا. تو اسی لیے کوالٹی آپ کی جب اچھی ہوتی ہے نا تو پھر کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی, کوانٹیٹی بھی پھر بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور آنیسٹ اپروچ رکھیں, کیونکہ اپروچ مارکیٹ میں جب آپ کی اچھی والی جاتی ہے تو آپ کو پھر آگے تک لے جاتی ہے. زبردست. یہ آپ کے اس شو کے تھرو میں ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیلز کے حوالے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا, اور سیلز کے بارے میں اگر سیکھنا ہو یا ٹیکنیک سیکھنی ہو یا پریکٹس کرنی ہو تو کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہو, تو مائی فرم از پارک ریزیڈنس, ہم آپ کو انٹرنشپس آفر کرتے ہیں مدیس آپ کے شو کے تھرو,
और हमारे शो की एपिसोड की बायो में स्क्रीन पर भी आप ये ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे, आप अपने सीवीज ड्रॉप करें और इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट भी करेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़बरान साहब, उम्मीद है आपको इंटरव्यूज मिलेंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के। अपना अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।